हम बनाएंगे ये दो ब्यूटीफुल से पेपर क्राफ्ट्स व्हिच आर परफेक्ट फॉर दिवाली डेकोरेशन. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गो एंड गेट स्टार्टेड शैल वी. So to make your own diya garlands, all you're going to need is take a sheet of paper and यहाँ पर मैं इस शीट को 4.5 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगाऊंगी and I'll draw straight line. अब मैं इस 4.5 सेंटीमीटर के मार्क को फोल्ड करती जाऊंगी इन अ फैन फोल्ड जिसको हम अकॉर्डियन फोल्ड भी कहते हैं एज आई एम डूइंग हियर. You will get a long strip like this. Now, it's best to make a template before you cut anything. एक शीट को बीच में से फोल्ड करके उस पर एक दिया ड्रॉ कर रही हूँ और साथ ही मैं एक फ्लेम भी ड्रॉ कर रही हूँ एंड आई विल कट इट आउट. ये देखिए हमारा दिया और हमारी फ्लेम दोनों रेडी है. हमारी जो फोल्डेड स्ट्रिप थी मैं इसको बीच में से कट कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी थिक हो चुका है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट आउट सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर मी टू कट इट. आई विल अगेन फोल्ड इट एंड नाउ मैं इस पर अपनी टेम्पलेट रखूँगी दिए की एंड आई विल कट इट आउट. देखिए किस तरह से हमने एक कट में इतने सारे दिए कट कर लिए हैं. सिमिलरली हम फ्लेम को भी इसी तरह से कट कर लेंगे. आई एम यूजिंग दिस येलो A4 साइज पेपर हियर. सो हमारी दिया और हमारी फ्लेम्स कट चुकी हैं. नेक्स्ट यू गोइंग टू नीड इज अ थ्रेड और एनी टाइप ऑफ वायर. यहाँ पर मैं ये ट्रांसपेरेंट वायर ले रही हूँ. ऑल्सो यू गोइंग टू नीड अ स्टेपलर. नाउ स्ट्रिंग के ऊपर और नीचे दिया रखकर हम उसे बीच में से स्टेपल कर देंगे एंड देन हम लोग फ्लेम को आगे पीछे रख के स्टेबल कर देंगे जैसा कि मैं कर रही हूँ. रिपीट द सेम स्टेप विथ ऑल द दियाज एंड मेक एज मैनी गार्लैंड्स एज यू वॉन्ट टू. इसे इन्वर्टेड यू शेप में वॉल के ऊपर लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे एज अ डोर तोरण भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन देर आर सेवरल वेज टू यूज दीज पेपर गार्लैंड्स. तो पेपर हैंगिंग फ्लावर्स बनाने के लिए हम सबसे पहले एक टेम्पलेट बनाएंगे. सो मैंने यहाँ पर ये एक स्क्वायर पेपर लिया है जिसको मैं फोर फोल्ड कर दूंगी लाइक दिस. नाउ आई विल अगेन फोल्ड इट टू फॉर्म अ ट्राइंगल एज शोन. अब इस ट्राइंगल में मैं एक हाफ सी शेप ड्रॉ करूंगी एंड देन आई विल कट इट आउट. देखिए हमारा फ्लावर रेडी है. अब मैं इसकी एक पेटल को कट कर दूंगी एंड आवर टेम्पलेट इज नाउ रेडी. सो हमें बहुत सारे फ्लावर्स बनाने हैं एंड एक एक शीट को फोल्ड करके कट करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा. सो हेयर इज अ सिंपल ट्रिक फॉर यू. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ 7 सेंटीमीटर्स स्क्वायर शीट कट कर ली है. स्टैक्ड ऑल द कार्ड्स टुगेदर इस तरह से और अब मैं अपनी टेम्पलेट को इसके ऊपर रख के ट्रेस कर लूंगी. मैं एक कॉर्नर पे इन पेपर्स को स्टेपल कर रही हूँ सो दैट व्हाइल कटिंग दे डोंट मूव. अब मैं इस टेम्पलेट को कट कर लूंगी. देखिए कितनी इजीली एक कट में इतने सारे फ्लावर्स कट हो गए. अप्लाई सम ग्लू एंड स्टिक दीज पेटल्स लाइक दिस टू फॉर्म अ फ्लावर शेप एज शोन. टेक अ नीडल एंड थ्रेड टाई अ नॉट एट द बॉटम और इन फ्लावर्स को उसमें बोना शुरू कीजिए.
हरे फ्लावर के बीच में कुछ स्पेस छोड़ दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना डिस्टेंस रखना है फ्लावर्स में। हमारा पहला फ्लावर अंदर जा चुका है। सेकेंड फ्लावर डालने से पहले हम एक छोटा सा नॉट बनाएंगे ताकि हमारा फ्लावर स्लिप ना हो। कंटिन्यू द प्रोसेस टू फॉर्म एज मेनी गार्लैंड्स एज यू वांट टू। अपने दरवाजे पे एज अ तोरण भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वॉल पे बैकड्रॉप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर परफेक्ट एंड एक्सट्रीमली इजी टू मेक। सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई रियली होप दैट बोथ दीस आइडियाज विल हेल्प यू इन डेकोरेटिंग योर हाउस दिस दिवाली। वेल, दिवाली इज ऑल अबाउट फन, मस्ती, नए कपड़े, ढेर सारी स्वीट्स एंड ढेर सारी डिशेस। If you like this video, make sure to give this video a big thumbs up. And aap mein se jin logon ne Diwali Day 1 video nahi dekhi hai, don't worry, you can still watch it. The link is in the description box below. Aur Diwali Day 3 ke liye aapko karna itna hai ki mere channel ko subscribe karna hai, bell button ko press karna hai taki aapko notification milta rahe jab bhi main video upload karu. Until then, thank you so much for watching. I hope you all had a wonderful day and I'll see you very soon. Bye.